नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित देसाई और आप देख रहे हैं युववाणी टाइम्स। न्यूरोथेरेपी, जिसे सभी दुखों का रामबाण कहा जाता है, और यहाँ पर आज कैंप लगाया गया विवेक बिहार में सेवा फाउंडेशन द्वारा शिविर लगाया गया है। और हमारे साथ मौजूद है रितु भंडारी जी, जो एक डाइटिशियन है, और आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रितु जी। नमस्कार जी, कैसा रहा आज के फ्री फाउंडेशन कैंप के बारे में? जी, सेवा फाउंडेशन के साथ मिलकर आज जो ये कैंप लगाया है, बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल कैंप रहा है। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग आए हैं आज यहाँ पर, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ आकर अपने आप को ट्रीटमेंट लिया है, पेन फ्री करा है। मेरे पास, मैं एज अ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पर हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर डाइट के लिए भी मेरे पास आए हैं कि कैसे डाइट से, आहार से हम उनकी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जो नवल सर ने एक मुहिम चला रखी है डिजीज़ फ्री इंडिया, जिसमें हम उन सब के पार्टनर हैं, इसमें के हम लोगों को डिजीज़ से मुक्त करना है, मेडिसिन से दूर करना है, सो दैट वो नेचुरल चीज़ों से अपने शरीर को ठीक करें, क्योंकि कहीं ना कहीं दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं उन्हें ज़रूर होगा। सो अगर नेचुरल वो अपने आप को हीलिंग करेंगे तो बहुत हद तक वो बेटर रहेंगे और अपनी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। सो यही हमारा एक मोटिव है यहाँ पर आने का, और यही हम लोगों को भी बताना चाहते हैं कि किस तरीके से वैकल्पिक चीज़ों से, जैसे योगा है या आहार है, डाइट है, इनसे या न्यूरोथेरेपी है, कैसे इन चीज़ों से वो अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। मैं एज अ डाइटिशियन हूँ तो मैं कहूँगी आहार ही चिकित्सा है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का आप देखेंगे जो इलाज है आपकी किचन में मिल जाता है। डायबिटीज़ है, खाने से ही कंट्रोल होगी, आप जितना मर्जी और कुछ भी कर लीजिए, अगर आपका आहार ठीक नहीं है तो कभी भी शुगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कोलेस्ट्रॉल है, डाइट ठीक है तो कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, हार्ट अटैक्स नहीं होंगे, आज की डेट में इतने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। अगर आहार ठीक होगा, अगर डाइट में अच्छा फैट जाएगा, गुड फैट जाएगा, फाइबर फूड जाएगा, तो हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लोग ठीक रहेंगे, उनके हार्ट अच्छे हेल्दी रहेंगे। सो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, सीलिएक एलर्जीज हो रही हैं लोगों को, ग्लूटेन एलर्जी हो रही है, लैक्टोज एलर्जी हो रही है, तो क्या खाएं समझ नहीं आ रहा लोगों को, तो डाइट प्लान्स, डाइट है, मैं डाइटिशियन हूँ, हम लोग, आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, आप और वैकल्पिक कोई चीज़ें, योगा कर सकते हैं, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क आने वाला है आपकी सेहत। तो क्या लगता है ऑपरेशन और दवाइयों का सबका रामबाण इलाज न्यूरोथेरेपी है? नहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे। देखिए, वो एलोपैथिक जो है उसका अपना अलग रोल है, ऑपरेशन का अपना अलग रोल है, क्योंकि अगर जहाँ पे डिफेक्ट उस लेवल का है तो वहाँ तो वही चीज़ काम आएगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ से भी आप लेकर ठीक कर सकते हैं। सो कहते हैं ना, ये एक चिकित्सा पद्धति है ये सारी, जिन्हें मिला के एक दूसरे के साथ जोड़कर, अल्टीमेटली तो सबका गोल ये है ना कि लोगों की सफरिंग्स को ख़त्म करना है, लोगों की मिजरीज को ख़त्म करना है। तो सब सारी डिजीज़ सारी जितनी भी हमारी ये थेरेपीज़ हैं, सबका यही मेन फोकस है कि लोगों की बीमारियों को सबसे कम करें। तो हम भी उसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। जहाँ एक इमरजेंसी सिचुएशन है, वहाँ तो देखिए आपको एलोपैथी में और ऑपरेशन में जाना ही पड़ेगा, वो हम डेफिनेटली नहीं कर सकते। बट यस, हम आप उस पद्धति के साथ में जुड़कर हम बहुत सारी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं इन चीज़ों के थ्रू भी। तो ये एक एड ऑन चीज़ें हैं जो सब चीज़ें मिलकर लोगों की सफरिंग्स और मिजरीज को ठीक करती है। गरीब तबका होता है जिसको आहार प्रॉपर नहीं मिल पाता, उसके लिए क्या कहना चाहिए? जी, आहार प्रॉपर नहीं मिल पाता क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि क्या खाना है, कितना खाना है, किस क्वांटिटी में खाना है, तो वो उन्हें जो मिल रहा है वो वही खा रहे हैं। अगर उन्हें उसी मिल जो उनके कहते हैं ना उनके कंडीशन में, जो उनकी पॉकेट को अलाउ करता है, ऐसी भी बहुत सारी हमारे न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं जो उनकी पॉकेट को अलाउ करती हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि गेहूं का आटा ही दुनिया खा रही है, लेकिन सब जानते हैं कि मिलेट्स, जैसे कि जौ का आटा, जैसे कि बाजरे का आटा, ये ज़्यादा फायदेमंद है, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन है, तो ये तो सस्ती चीज़ें हैं, लेकिन नॉलेज की कमी है। तो राइट गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट गाइडेंस, हर एक के पास नॉलेज पहुंचनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तो वो कम पैसों में भी न्यूट्रिशियस फूड खा सकता है। ऐसा नहीं, देखिए ओमेगा 3 की ज़रूरत है, ओमेगा 3 हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो अगर मछली खा रहा है वो इंसान, मछली तो आम मिलती है हर तरीके से, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती और कोस्टल एरियाज़ में तो बहुत ईजीली अवेलेबल है, तो अगर मछली बना के वो घर में ही अपने सस्ती मछली ले ले तो उस तरीके से, या अगर दूध नहीं, जो भी है कम पैसों में भी पूरा न्यूट्रिशन लिया जा सकता है, लेकिन राइट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो उन्हें नहीं है। तो उसके लिए हम हैं, वो एक बार यहाँ ऐसे फ्री कैंप हम लगाते रहते हैं, इन्हीं सब लोगों के लिए लगते हैं,
और सबके लिए भी लगते हैं कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते हमारी फीस तो वो यहाँ आकर फ्री कैंप में अपने आप को हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद थी रितु भंडारी जो एक डाइटिशियन है और यहाँ पर सेवा कैंप लगाया गया है। और मैं आपका दोस्त रोहित बिसैया, देखते रहिए युग वाणी टाइम्स।